जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा मेरे पीछे, आज मैं कहाँ पे आया हूँ, जो शिल्पग्राम है इसका नाम, और यह अपने आमेर में स्थित है, आमेर जयपुर में। और यह देखने लायक बहुत ही शानदार जगह है इसमें, क्योंकि जो कारीगर होते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उनकी एक बहुत ही शानदार मिसाल है जो पूर्वजों से चलती आ रही है और बनाने की विधि कला, और यह बहुत ही शानदार है। और ये आमेर में बनाया गया है क्योंकि आमेर में पर्यटक बहुत ही ज़्यादा आते हैं, और इधर नारगढ़ भी है, सो इस वजह से लोग बाग शिल्पग्राम को देख भी सके और मिट्टी के बर्तन कुछ खरीद भी सके, क्योंकि यह बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है बहुत ही पहले से। तो मैं आप लोगों को आज शिल्पग्राम की पूरी सैर कराऊँगा और किस तरीके से बना हुआ ये, किस तरीके से यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बहुत सारे आइटम है वो भी दिखाऊँगा सारे, और आपको मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, ठीक है, चलते हैं। तो गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहले शिल्पग्राम का ये गेट दिखता है, एंट्री गेट है और उस तरफ एग्जिट गेट है, तो यहाँ से एंट्री होती है सबसे पहले, और इसका जो लोकार्पण है जो दिया कुमारी है उन्होंने किया था, और सबसे पहले आपको यहाँ से मिल जाता है देखने के लिए, ये देखिए शिल्पग्राम के वगैरह, मूर्ति वगैरह, ये सारे मिट्टी के आइटम हैं, आप मिट्टी का कोई से भी ले सकते हो इनमें से, और बहुत ही शानदार देखने लायक है ये। और आगे ये मटकियाँ देखिए, ये मटकियाँ होती है, इनमें आप कुछ भी बना सकते हो, और ये मिट्टी का ये देखिए और ये मिट्टी के इस तरीके से बने हुए होते हैं, और ये दुकान के अंदर आप देख सकते हो, आप बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हो, मिट्टी के ये बर्तन देख सकते हो, ये देखिए योगिता मिट्टी भंडार नाम है इस दुकान का, और ये देखिए कितने शानदार आइटम बने हुए हैं। गाइस आप सबको लग रहा होगा कि ये किस तरीके से बना हुआ है, लेकिन ये सब मिट्टी के बने हुए हैं, और आप लोग देख सकते हो, ये देखिए बहुत सारे आइटम यहाँ पर, बुद्ध भी देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और ये देखिए भाई, अगर आप इस घड़े में खाना बनाओगे ना, खाना कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, नॉनवेज वगैरह कुछ भी जो खाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, और इसमें विटामिन होते हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन से बना हुआ खाने का स्वाद कुछ अलग ही होता है। सो गाइस अपने ये सावन प्रजापत भाई है, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सावन प्रजापत है, अभी 4 तारीख को उद्घाटन हुआ था इसको, 4 फरवरी को, और ये जो भी बना है ये यहाँ पे केदरी वाले अंकल है जो यहाँ पे ध्यान दिए थे, उन्होंने बनवाया ये इससे JDA ऑफिस से, उससे उन्होंने पैसे पास कराया इसके लिए, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि मिट्टी की बोतल कढ़ाई सब मिलती है यहाँ पे। तो सान भाई सारे आइटम मिल जाते हैं, आइटम यहीं पे बनते हैं या कहीं बाहर से भी आते हैं? यहाँ पे भी बनता है, कुछ रेडीमेड भी लाए जाते हैं, तो सारे आइटम मिल जाते हैं। और रेट भी क्या होती है उनकी? रेट 50, 200, 500 इतनी होती है? हाँ इतनी होती है, ऐसे नहीं भाई जो चीज़ 100 की है वो 500 में बेचती है, ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं है अपना, जो आप यहाँ पे रेट बताएंगे वही आपको आगे भी रेट, क्योंकि गाइस यहाँ पे वो वाला काम है होलसेल वाला, क्योंकि आप शॉप्स में जाओगे, शॉप यहाँ से माल उठा के लेके जाते हैं, तो वो डबल रेट में बेचते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको नॉर्मल जो प्राइस होती है ना, यहाँ पे खुद अपने हाथों से बनाया जाता है, इनका यही काम है, पूर्वजों से इनको मिला है, जो ये कारीगर है बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, और यहीं पर इनको सारा काम आता है, और यहीं पर बनाते हैं सब कुछ मिट्टी वगैरह, तो यहाँ पर बहुत कम रेट में, अच्छी रेट में आपको दे देंगे, कुछ भी लेना चाहे तो आप यहाँ पर ले सकते हो, और बहुत ही जगह है, एक बार आप विजिट जरूर करना, एक नंबर है। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से कैसा है, अंदर क्या है, अंदर यहाँ पे बनाते हैं, पीछे अभी कुछ लोग बनाएंगे यहाँ पे, कुछ लोग अभी पीछे बनाएंगे इस तरीके से बनाया जाता है, और यह तो आपको एक मूर्ति दिख रही है, मैं आपको रियल में भी दिखाऊँगा किस तरीके से ये बनाया जाता है, और चैनल का नाम कुछ इस तरीके से,
फिर चल। कुछ इस तरीके से ये है, ये डिजाइन देखिए आप एक बार, कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है। कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है और बहुत ही शानदार बना हुआ है और आप सारे छाया चित्र वगैरह देख सकते हो। तो भाई ये आपको लग रहा होगा कि ये मूर्ति है, बट ऐसा नहीं है, ये एक मिट्टी से बने हुए हैं, पूरी तरीके से ये मिट्टी से है, हाथों से बने हुए हैं। ये आपको मैं बता दूँ जानकारी के लिए, ये देखिए हाथों से बने हुए हैं पूरे। और आगे चलते हैं अपन, बहुत ही शानदार ये देखिए क्या छाया चित्र बनाई गई हुई है ये देखिए। और गाइस ये कुछ आप जिनमें चाय पीते हो ना, ये वो है भाई, ये कुल्लड़ होते हैं ना जो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, और ये अभी पके नहीं है, ये कच्चे हैं, तो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं और फिर उनमें आप चाय पीते हो, ठीक है। तो ये अभी सूखेंगे, ये कच्चे हैं, ठीक है, ये बन रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो गाइस कुछ इस तरीके से ये बनाए जाते हैं और अपने अंकल इस वक्त बना रहे हैं। अंकल क्या बना रहे हो आप? अभी तो मिट्टी को सही कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, तो छान रहे हैं, फोड़ रहे हैं, अच्छा फिर बनाएंगे इसकी मिट्टी। क्या बना रहे हो अंकल आप अभी? जो सारे आइटम होते हैं वो बनाते हैं। अंकल मिट्टी कहाँ से लाते हो आप? ये जो बनाते हैं नीमक से, एक 200 आती है। अच्छा 200 और नीमक से आती है, चलो ठीक है अंकल। और इनको फिर पकाया जाता है अंकल, है ना, भट्टी में? हाँ भट्टी में, देख। अच्छा वो भट्टी लग रही है, फिर उनको दाबे से लगा के फिर कुछ इस तरीके से, तो आपको दिखा, चलो ठीक है, कुछ इस तरीके से भट्टी में लगाया जाता है और मैं आपको भट्टी दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये भट्टी होती है और ये भट्टिया है, ये देखिए, ये गाइस ये भट्टिया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है और इन पे लगाया जाता है और फिर नीचे से इनमें आग लगाई जाती है और ऊपर से पूरा ढक दिया जाता है, ये देखिए। अब ये पहले से जलाया हुआ है, ये ढका हुआ है नीचे से, कुछ ईंटें पकती है ना कुछ इसी प्रकार से ये पकता है और ये मिट्टी है ही, तो ये देखिए अब ये पके हुए हैं पूरे, ये देखो अब इनके नीचे आग लगा दी जाती है और फिर ये पके हुए हैं अब ये पूरे, ये छाने होते हैं उबले, ये देखो ये घोड़े की वो है, जो घोड़ा घोड़े की लुगदी कुछ बोलते हैं इसको, गाइस इनको ढकने के लिए काम में लिया जाता है। और ये देखिए ये पूरे तैयार है गाइस, ऐसा नहीं है गाइस, कुछ फूट भी जाते हैं, कुछ टूट भी जाते हैं। अब ये देखिए ये पूरा तैयार है, ये पका हुआ है पूरी तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इस वजह से। ये शिल्पग्राम बनने से ग्राहक आते हैं या नहीं? और अभी तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा अभी तो नहीं आ रहे। तो गाइस देखिए शानदार तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखिए ये डिज़ाइन दिखाइए आप एक बार, और बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये यहाँ पे देखिए भाई, मकान पे पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ पे, और ये सांस्कृतिक मार्ग है। तो यहाँ पे आपको ये भारत पब्लिक स्कूल है और ये बहुत ही पुरानी स्कूल है यहाँ पे। और आगे चलते हैं अपन, मकान बने हुए थे, इनकी डिज़ाइन बना दी गई है शिल्प ग्राम की, और ये लाइट लाइट वगैरह न्यू लगी है। और ये देखिए ये सब मिट्टी के बने हुए हैं, ये देखो ये सब मिट्टी के बने हुए हैं। तो गाइस ये देखो ये पुरानी हो गई है बहुत पहले की, तो अभी तो गाइस इसमें ताला लगा हुआ है और बहुत ही पुरानी हवेली है ये, हमारी तरफ भी ऐसी एक तो हवेली है। तो भाई ये है सामुदायिक चौक, और
जहाँ तक मेरे लग रहा है। और ये है सामुदायिक चौक, और यहाँ पे सामुदायिक चौक है, यहाँ पे पर्यटक जब ज़्यादा हो जाएंगे तो यहीं पे बेचने के लिए लगाए जाएंगे मिट्टी के बर्तन वगैरह जो भी सारे आइटम होते हैं, और ये चीज़ें वगैरह बनी हुई हैं और भी ज़्यादा। और भाई यहाँ से ऐसे घूम के ये इस तरीके से इस तरह से ये ख़त्म हो रहा है, तो ये एग्जिट पॉइंट है इस तरफ से, ठीक है। और ये देख सकते हो पूरा कलर किया हुआ है, बहुत ही शानदार। और भाई इनकी पेंटिंग्स अभी पेंडिंग में है, बनी नहीं है, ठीक है। ये देखिए तो गाइस आपको यह एग्जिट पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये एग्जिट पॉइंट मिल जाता है आपको। और ये देखिए आप एक बार, इतनी शानदार पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। और ये एग्जिट होता है, और जहाँ पे ये बैठने की जगह बनाई गई है आप देख सकते हो, और ये एग्जिट है। और गाइस इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपका, टिकट वगैरह कुछ भी, आप यहाँ पे फ्री में आ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Are you watching it or something?